हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आइए, आज हम प्रैक्टिस पेपर 34 सोल्व करने वाले हैं और आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है TGT और PGT दोनों के लिए। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, विच टाइप ऑफ अ पोम इज मेमो इन मेमोरियम। तो इन मेमोरियम इज अ पोम, और ये हमें बतानी है कि इसका जेनर कौन सा है, कौन से जेनर में ये लिखी गई है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एलिजी। क्वेश्चन नंबर टू, विच टाइप ऑफ पोम इज यूलिसिस बाय टेनिसन। और टेनिसन के द्वारा लिखी गई ये पोम है यूलिसिस, ये हमें बतानी है कि ये कौन से टाइप की पोम है, मीन्स इसका भी हमें यहाँ जेनर बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें स्पीकर बोलता है और लिसनर को सिर्फ सुनना होता है, लिसनर को बोलने की आज़ादी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ईयर टेनिसन बिकेम पोइट लॉरिएट। टेनिसन कौन से ईयर में पोइट लॉरिएट बन गए थे। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, 1850 आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ ही बिकेम पोइट लॉरिएट। तो 1843 से लेकर के 1850 तक तो हमारे वर्ड्सवर्थ जो पोइट लॉरिएट रहे हैं, और आफ्टर हिज डेथ कौन बना है, टेनिसन जो 1850 में पोइट लॉरिएट बन गए। क्वेश्चन नंबर फोर, विच पोइट ऑफ विक्टोरियन एज इज कॉल्ड पोइट ऑफ होप। तो विक्टोरियन एज के किस पोइट को पोइट ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को पोइट ऑफ होप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पोइट्री थी वो कैसी थी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी पोइट्री इन्होंने लिखी थी, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड पोइट ऑफ होप। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, हु रोट द मोनोलॉग द लास्ट राइड टुगेदर। तो ये एक मोनोलॉग है, द लास्ट राइड टुगेदर, और ये किसने लिखा है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो देखिए, PGT के लिए भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और TGT के लिए भी। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट राइटर किसको बोला गया है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ज़्यादातर अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ही जाने जाते हैं। देन सेवन क्वेश्चन, हु रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डचेस। तो किसने ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डचेस लिखा है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट डचेस, जिसमें वो बोलते हैं और लिसनर सिर्फ पैसिवली सुनता है। तो देख के याद आ ही गया होगा, LT के सिलेबस में भी है ये पोएम। देन क्वेश्चन नंबर एट, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिजिक पोइट नोन फॉर एलिजी। तो किसको, मतलब जो कहा गया है ग्रेटेस्ट एलिजिक पोइट, या फिर पोइट नोन फॉर एलिजी, जो अपनी एलिजीज के लिए जाना जाता है। और एलिजी क्या होती है, किसी की डेथ पे लिखी जाने वाली जो ये पोम होती है उनको हम एलिजीज बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु रोट द पोम थायरिसिस। तो थायरिसिस जो पोम है ये किसने लिखी है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर टेन, हु रोट द पोम रग्बी चैपल। रग्बी चैपल जो पोम है इनके हमें ऑथर बताने हैं कि कौन से पोइट ने ये पोम कंपोज की है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर इलेवन, हु रोट द पोम द स्कॉलर जिप्सी। तो स्कॉलर जिप्सी जो ये पोम है ये किसने लिखी है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अगेन मैथ्यू अर्नोल्ड। देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हु रोट द पोम अ सदर्न नाइट एंड वेस्ट मिनिस्टर एबे।
तो ये जो दो पोम है यहाँ पे, ये किसने लिखी है ये यहाँ हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच पोम क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच पोम ऑफ अर्नोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर डोवर बीच। क्वेश्चन नंबर 14, विच पोएट इज कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन से पोएट को रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म इन दोनों के बीच का ब्रिज माना जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ प्लेज आर रिटन बाय जीबी सॉ। तो जीबी सॉ जो हमारे पोएट हैं, इन्होंने किस तरह के जो प्लेज लिखे हैं। ओके, तो जीबी सॉ के यहाँ हमें प्लेज बताने हैं कि किस टाइप के प्लेज उन्होंने लिखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एंटी रोमांटिक। तो उन्होंने एंटी रोमांटिक प्ले लिखे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ प्ले इज कैंडिडा बाय सो। तो सो का जो प्ले है कैंडिडा, वो बताना है कि किस टाइप का प्ले है। द करेक्ट आंसर विल बी बी ड्रामा ऑफ आइडियाज। तो बी ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ड्रामा ऑफ आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोड द प्ले एप्पल कार्ड। तो एप्पल कार्ड एक प्ले है, ये बताना है किसने लिखा है। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, इसके जो ऑथर हैं वो हैं जी बी सॉ। देन क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच प्ले सॉ वॉन नोबल प्राइज। तो देखिए जी बी सॉ को नोबल प्राइज भी मिला है, और कौन से प्ले के लिए मिला है ये हमें यहाँ बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी सेंट जॉन। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर सॉ वॉन नोबेल प्राइज। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको भी किसी भी तरह का प्राइज मिला है तो उसकी हमें डेट अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी 1925। तो जी वी सॉ को जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1925 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज कॉल्ड द सेकेंड शेक्सपियर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा। तो अपने जो इंग्लिश ड्रामा में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको सेकंड शेक्सपियर जो कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सॉ, जी बी सॉ, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन 21 क्वेश्चन, हु रोड द पोम सॉरी प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है ये किसका है, द करेक्ट आंसर इज सी हियर सॉ। हु रोड द प्ले मैन एंड सुपरमैन। तो मैन एंड सुपरमैन इज अ प्ले, और इसके ऑथर बताने हैं हमें यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज अगेन जी बी सॉ। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज सिडनीज अर्कैडिया। तो सिडनी की जो ये पोम है अर्कैडिया, ये बतानी है ये क्या है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर पास्टोरल रोमेंस। देन क्वेश्चन नंबर 24, शेली रोट अ पास्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, व्हाट इज इट्स टाइटल। तो देखिए कीट्स की डेथ के ऊपर शेली ने भी एक पास्टोरल एलिजी लिखी हुई है, तो उसका हमें यहाँ टाइटल बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर एडोनिस। देन क्वेश्चन नंबर 25, An ode is generally defined as a serious long poem in which the poet pours out his what. तो यहाँ बताना है 25, the correct answer will be A, aspiration. तो यहाँ ode के बारे में बताया है, ode क्या है, it is generally defined as a serious long poem. तो ये एक long poem होती है जो बहुत serious होती है, and in which the poet pours out his aspirations. के तो अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसमें पोइट उन सबको उभार के लाता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, ओड इज अ टाइप ऑफ। तो ओड का यहाँ टाइप बताना है, ओड किस टाइप का होता है,
द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर लिरिकल वर्स. तो ये एक लिरिकल वर्स होता है. देन 27 क्लासिकल ओड और पिंडारिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन थ्री मेजर पार्ट्स. तो क्लासिकल ओड या पिंडारिक ओड होता है वो तीन पार्ट में, उसका जो स्ट्रक्चर होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है. तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा स्ट्रक्चर इनका होता है. द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप एंड ईपॉड. 28 क्वेश्चन. स्ट्रोप फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ओड. तो स्ट्रोप जो है ओड का कौन सा पार्ट फॉर्म करता है. तो 28 द करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट. तो देखिए पहले जो तीन इसमें पार्ट होते हैं 1, 2, 3 और जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा स्ट्रोप होता है. सेकंड जो पार्ट होता है उसमें एंटी स्ट्रोप होता है और थर्ड जो पार्ट होता है वो हमारा एपोड होता है. तो इस तरह से तीन पार्ट होते हैं ओड में. देन क्वेश्चन नंबर 29 द पॉपुलर बैलेड इज. तो पॉपुलर बैलेड के बारे में यहाँ बताना है कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो देखिए वो बिल्कुल सिंपल होता है, करेक्ट है. हैज एपरेंट ईज एंड आर्टलेसनेस. तो ये भी करेक्ट है. देन हैज प्रिमिटिव फीलिंग्स, ये भी करेक्ट है. तो इसका जो ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हेयर. देन 30 क्वेश्चन द लिटरेरी बैलेड इज. तो लिटरेरी जो लिटरेरी बैलेड होता है वो होता है क्या. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर इनिशिएशन ऑफ अ लेटर डेट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलर बैलेड. तो देखिए मैं यहाँ सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही बता रही हूँ. आप जो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के अपनी तरफ से आंसर दिया कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन को मैच कीजिए कि आप उसको सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, दैट्स वाई आई एम गिविंग ओनली करेक्ट आंसर. 31 क्वेश्चन द बैलेड फॉर्म वॉज मेड स्ट्रोंगेस्ट इन द. तो जो बैलेड फॉर्म है हमें बताना है कौन सी सेंचुरी में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट रही है, सबसे ज़्यादा यूज हुई है. तो 31 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी हेयर 15th century. तो 15th century में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म थी बैलेड. देन 32 क्वेश्चन सेविसेज इज अ रिमार्केबल बैलेड रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ. तो बताना है कि ये जो बैलेड है इसका सब्जेक्ट क्या है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वार. देन 33 क्वेश्चन कोलरिज द एंशियंट मैरिनर इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ. तो कोलरिज का लिखा हुआ है ये द एंशियंट मैरिनर, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर लिटरेरी बैलेड. तो ये लिटरेरी बैलेड का एक एग्जाम्पल है. तो देखिए लिटरेरी बैलेड में ही ये पब्लिश हुआ था, वर्ड्सवर्थ के साथ जो उनका कोरोबोरेशन था उसमें. 34 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ. किड्स ला बैले डेम सेंस मर्सी इज द लिटरेरी बैलेड ऑफ. तो देखिए किड्स का ये वर्क है, काफ़ी फेमस वर्क है ये ला बैले डेम सेंस मर्सी. तो ये बैलेड पोम है एक, और ये हमारे LT के सिलेबस में भी आ रही है. तो होप आप सबने पढ़ी भी होगी ये. तो ये क्या है, बैलेड ऑफ रोमांटिक एरा. तो रोमांटिक एरा का बैलेड है ये. 35 क्वेश्चन द बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट एमर्ज्ड आउट. तो बैलेड एक पोएट्री की फॉर्म है जो कहाँ से निकल के आई है. द करेक्ट आंसर विल बी हेयर फोक लिटरेचर. तो ये फोक लिटरेचर से निकल के आई है. देन क्वेश्चन नंबर 36 ये रोमियो एंड जूलियट के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 36 Why does not the nurse tell Juliet right away what Romeo said? तो नर्स ने जूलियट को उसी समय क्यों नहीं बताया जो कि रोमियो ने उससे बोला था.
So the correct answer will be C here. She claims to be tired and out of breath. तो वो क्या क्लेम करती है कि वो क्या है, थकी हुई है और क्या है, आउट ऑफ ब्रेथ, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. 37 क्वेश्चन, हाउ डज रोमियो प्लान ऑन एंटरिंग जूलियट्स रूम ऑन देयर वेडिंग नाइट. तो रोमियो कैसे प्लान बनाता है जूलियट के रूम में एंट्री करने के लिए उनकी वेडिंग नाइट पे. 37 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी, बाय क्लाइंबिंग अ लैडर, सीढ़ी पे चढ़ के. तो वो जो सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं एक दूसरे से, तो उसके कमरे में कैसे चढ़ के जाता है रोमियो, सीढ़ी से वो चढ़ के चला जाता है और आपस में वो शादी कर लेते हैं. देन 38 क्वेश्चन, व्हाई इज नॉट रोमियो वरीड अबाउट फ्यूचर मिसफॉर्च्यून्स. तो रोमियो वरीड क्यों नहीं था, परेशान क्यों नहीं था फ्यूचर मिसफॉर्च्यून की वजह से या उसके बारे में. सो 38 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी, नो मिसफॉर्च्यून कैन बी एज ग्रेट एज हिज हैप्पीनेस. तो उसका मानना था कि उसकी खुशियों के आगे कोई भी मिसफॉर्च्यून कुछ भी नहीं है. 39 क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज फ्रायर लॉरेंस गिव रोमियो बिफोर द वेडिंग. तो वेडिंग से पहले फ्रायर लॉरेंस रोमियो को क्या एडवाइस देते हैं. 39 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, डू नॉट लव टू इंटेंसली, कि इतना इंटेंसली, इतना जो डीपली आपको लव नहीं करना चाहिए. देन 40 क्वेश्चन, वाई डज जूलियट रिफ्यूज टू डिस्क्राइब हर लव टू रोमियो बिफोर देयर वेडिंग. तो रोमियो को अपना लव जो है डिस्क्राइब करने के लिए जूलियट स्टार्टिंग में मीन्स बिफोर वेडिंग क्यों मना कर देती है. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, हर लव इज टू ग्रेट टू बी डिस्क्राइब. तो उसका मानना है कि उसका लव जो है इतना ग्रेट है, इतना महान है कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. देन 41 क्वेश्चन, व्हाई डज बेनवोलियो वांट टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रीट. द करेक्ट आंसर विल बी ए, ही इज वरीड दैट अ ब्रोल विल स्टार्ट. तो ब्रोल क्या होता है, ब्रोल होता है झगड़ा, कि वो परेशान होता है या उसको चिंता होती है कि क्या होगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा. 42 क्वेश्चन, Why does not Romeo want to fight Tybalt? तो रोमियो Tybalt से क्यों फाइट नहीं करना चाहता. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, दे आर नाउ रिलेटेड थ्रू मैरिज. क्योंकि अब वो मैरिज के थ्रू रिलेटेड हैं. तो देखिए, Tybalt से मैरिज के थ्रू रिलेटेड नहीं है वो, रोमियो ने सीक्रेटली जूलियट से मैरिज कर ली है. तो अब क्या है, ये जो Tybalt है ये भी उसका रिलेटिव बन गया है, क्योंकि Tybalt जूलियट का कजिन है. तो इस वजह से जो रोमियो है वो भी उसे एक तरह से उसका जो अरेंज हो गया है, मींस उसका भी रिलेशन उससे जुड़ गया है. यहाँ पे देखिए, Tybalt तो फाइट करने के लिए तैयार है रोमियो से. क्यों? क्योंकि Tybalt को नहीं पता कि रोमियो ने सीक्रेटली जूलियट से, उसकी कजिन सिस्टर से शादी कर ली है. तो वो तो यहाँ फाइट करना चाहता है, लेकिन रोमियो बचना चाहता है कि उसको पता है कि उसका जो रिलेशन है वो Tybalt के साथ क्या है. ओके, देन 43 क्वेश्चन, हाउ डज रोमियो रिएक्ट When Tybalt and Mercutio start fighting. तो Tybalt और Mercutio की आपस में जब फाइटिंग स्टार्ट होती है तो रोमियो का क्या रिएक्शन होता है. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ही ट्राइज टू ब्रेक दैम अप. तो वो उन दोनों को ब्रेकअप होता है, उनको अलग अलग करना, उनकी लड़ाई को सुलझाना. तो वो उनको अलग अलग करना चाहता है, उनकी लड़ाई को सुलझाना चाहता है. 44 क्वेश्चन, व्हाट डज रोमियो डू आफ्टर किलिंग Tybalt. अब जब रोमियो के हाथों Tybalt को मार दिया जाता है तो रोमियो क्या करता है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ही रन्स अवे, वो वहाँ से भाग जाता है. 45 क्वेश्चन, व्हाट इज रोमियोज पनिशमेंट फॉर किलिंग Tybalt. तो Tybalt को मारने के जो पनिशमेंट होती है रोमियो की वो क्या होती है.
सो 45 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी बैनिशमेंट। तो उसको उसी की जो एरिया है उसी का जो प्लेस है वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको बैनिश कर दिया जाता है। देन 46 क्वेश्चन व्हाट डज जूलियट क्लेम इज मेकिंग द बर्ड कॉल्स दे हियर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी अ नाइटिंगल। फोर्टी सेवन क्वेश्चन हाउ डू बोथ रोमियो एंड जूलियट अपीयर एज दे से गुड बाय टू ईच अदर। तो रोमियो एंड जूलियट जो कैसे अपीयर होते हैं जब वो एक दूसरे से गुड बाय बोलते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर लाइक दे आर ऑलरेडी डेड एंड इन अ टोम्ब। तो वो ऐसे फील होते हैं जैसे कि वो मर चुके हैं और एक टोम्ब के अंदर हैं। नाउ 48 क्वेश्चन हाउ डज जूलियट रिएक्ट टू न्यूज ऑफ हर अरेंज मैरिज विद पेरिस। तो जब उसके जो पेरेंट्स हैं जूलियट के वो उसकी जो शादी अरेंज कर देते हैं पेरिस के साथ, तो जूलियट कैसा रिएक्ट करती है इस न्यूज को सुनने के बाद। तो 48 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी विद हॉरर एंड एंगर। तो वो डर जाती है और उसको बहुत गुस्सा भी आता है, तो विद हॉरर एंड एंगर। देन 49 क्वेश्चन व्हाट डज द नर्स एडवाइस जूलियट टू डू। तो नर्स एडवाइज क्या करती है जूलियट को कि तुम्हें क्या करना चाहिए अब। द करेक्ट आंसर इज सी फॉरगेट रोमियो एंड मैरी पेरिस। तो उसकी जो नर्स होती है वो उसको एडवाइस करती है कि रोमियो को भूल जाओ और पेरिस से शादी कर लो। 50 क्वेश्चन इज व्हाट डज जूलियट प्लान टू डू इफ फ्रायर लॉरेंस कांट हेल्प हर। तो जूलियट क्या प्लान बनाती हैं, वो फ्रायर लॉरेंस से हेल्प मांगती हैं लेकिन वो प्लान बनाती है कि अगर फ्रायर लॉरेंस ने उसकी हेल्प नहीं की तो वो क्या करेगी। सो 50 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी किल हर सेल्फ। तो वो प्लान बनाती है यदि फ्रायर लॉरेंस ने उसकी हेल्प नहीं की रोमियो से जो उसकी सीक्रेट मैरिज है उसको बचाने के लिए, तो वो क्या करेगी खुद को किल कर लेगी, खुद को मार डालेगी। 51 क्वेश्चन हाउ डज द नर्स कन्फ्यूज द स्टोरी ऑफ द फाइट। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर सी मेक्स इट साउंड लाइक रोमियो इज डेड एज वेल। तो देखिए जब उनकी जो फाइट होती है तो नर्स किस तरह से कंफ्यूज करती है स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी क्या थी कि टाइबर्ट जो है रोमियो के हाथों मारा गया था फाइटिंग में, लेकिन वो क्या करती है सी मेक्स इट साउंड लाइक, तो वो कैसे प्रिटेंड करती है जैसे कि रोमियो भी उस फाइट में मारा गया हो। 52 क्वेश्चन व्हाई डज जूलियट चेस्टाइज द नर्स। तो जूलियट जो है नर्स को क्यों चेस्टाइज करती है, चेस्टाइज होता है किसी को डांटना। तो 52 द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर फॉर क्रिटिसाइजिंग रोमियो, क्योंकि नर्स जो थी रोमियो को क्रिटिसाइज कर रही थी, उसकी आलोचना कर रही थी, दैट्स वाई जूलियट क्रिटिसाइज द नर्स। 53 क्वेश्चन What does Juliet give the nurse to pass to Romeo? Juliet nurse को क्या देती है Romeo को देने के लिए। तो 53 question, the correct option will be D here, a ring. तो वो nurse को क्या देती है She gives her a ring. वो उसको एक ring देती है to pass to Romeo. 54 question, How does Romeo regard his punishment from Aeschylus? द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर एज अ फेट वर्स देन डेथ। तो देखिए रोमियो ने क्या किया था, टाइबॉल्ट को मार दिया था, तो उसको पनिशमेंट मिली थी वहाँ से बैनिशमेंट की कि वहाँ से निकल जाए वो, उस एरिया में दोबारा नहीं घुस सकता। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ डज रोमियो रिगार्ड हिज पनिशमेंट फ्रॉम एस्केलस। तो उसको जो एस्केलस के द्वारा जो पनिशमेंट दी गई थी उसको वो किस तरह से लेता है। तो एज अ फेट,
वर्स देन डेथ, तो वो उसको ऐसे लेता है जैसे ये ही उसका भाग्य है और ये क्या है, डेथ से भी ज़्यादा बुरा है। 55 क्वेश्चन, व्हाट डज कैपुलेट प्रोमिस पेरिस, तो कैपुलेट पेरिस से क्या प्रोमिस करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ए दैट पेरिस विल मैरी जूलियट ऑन थर्सडे, कि वो क्या करेंगे, पेरिस से जो जूलियट की शादी करा देंगे थर्सडे को। 56 क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्निस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स, तो होलोफर्निस इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले, तो वो एक स्कूल मास्टर है और कौन से प्ले में है वो। द करेक्ट आंसर इज ए लव लेबर लॉस्ट। देन 57 क्वेश्चन, फर्स्ट फोलियो अ पोस्थमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन, तो ये पोस्थमस का मीन्स होता है यहाँ पे आफ्टर डेथ, तो उसका शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है ये हमें बताना है कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है। द करेक्ट आंसर विल बी ए 1623। तो यही मैं देख रही थी आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ बताई देती हूँ मैं, फर्स्ट जो कलेक्शन है वो 1623 में आया था, जो सेकंड कलेक्शन है वो 1632, देन थर्ड क्वेश्चन 1663 एंड फोर्थ 1685, तो चार कलेक्शन रहे हैं शेक्सपियर के वर्क के। तो फर्स्ट कलेक्शन था 1623। अब 58 क्वेश्चन, इन 1623 टू फेलो एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर्स डैश एंड डैश पब्लिश्ड अ मोर डेफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज फर्स्ट फोलियो, तो यहाँ पे इनका बोलने का सेंस है कि 1623 में जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश करवाया गया था वो शेक्सपियर के ही जो फेलो एक्टर और फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने कराया था, तो उनका हमें यह नाम बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। देन 59 क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट, तो फोलियो फॉर्मेट में कितने जो प्लेज हैं उनको प्रिंट किया गया था इन 1623। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर 36 प्लेज, तो शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं जिसमें से 36 प्लेज को यहाँ पे पब्लिश करवाया गया था, और उनका जो एक प्ले है पेरिकल्स, पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, तो उसको यहाँ से निकाल दिया गया था, उसको इसमें नहीं रखा गया था। देन 60 क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो 1623 बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। द करेक्ट आंसर इज ए पेरिकल्स। 61 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर इन 1687 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन, तो वर्ड्सवर्थ ने 1787 में अपना कोई वर्क पब्लिश करवाया था जिससे उनको ये आइडेंटिफिकेशन मिली थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो हो गई थी जैसे वो भी एक राइटर हों। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए द यूरोपियन मैगजीन, तो यूरोपियन मैगजीन उनका जो वर्क था वो 1787 में आया था। देन 62, वर्ड्सवर्थ बिगेन द प्रेल्यूड इन 1798 एट द एज ऑफ डेथ एंड कंटिन्यूड टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ, तो शेक्सपियर ने जो अपना वर्क है द प्रेल्यूड 1798 से स्टार्ट किया था, वैसे कहीं कहीं ये 1799 भी दिया हुआ है, तो उनकी एज क्या थी उस समय 28। 63 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इनिशियली प्लान्ड टू राइट रेक्लूज टुगेदर विद सैमुअल टेलर कोलरिज देयर जॉइंट इंटेंट बीइंग टू सरपास, तो वर्ड्सवर्थ ने इनिशियली क्या चाहा था, प्लान किया था उन्होंने टू राइट रेक्लूज, उन्होंने रेक्लूज को लिखने का प्लान बनाया था किसके साथ, एसटी कोलरिज के साथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
63 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ए, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ओके, तो 64 क्वेश्चन, इन हिज इंट्रोडक्शन टू द वर्जन ऑफ 1850 ऑफ प्रेल्यूड, वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स दैट द ओरिजिनल आइडिया इंस्पायर्ड बाय हिज डियर फ्रेंड डेस, तो यहाँ डियर फ्रेंड का नाम लिखना है हमें, वाज टू कंपोज अ फिलोसफिकल पोम कंटेनिंग व्यूज ऑफ मैन नेचर एंड सोसाइटी एंड टू बी एडिटेड द रेक्लूज एज हैविंग फॉर इट्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट द सेंसेशंस एंड ऑप्शंस ऑफ अ पॉइट लिविंग अ रिटायरमेंट। तो हिज डियर फ्रेंड वाज, तो उनका डियर फ्रेंड बताना है यहाँ पे कौन है। तो ये तो इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सीधे पता है वर्ड्सवर्थ के जो डियर फ्रेंड है वो है एसटी कॉलरिज। 65 क्वेश्चन, हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वर्ड्सवर्थ की किसने प्रेज की है उनको पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी बोलकर, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जॉन केबल। 66 क्वेश्चन, इन विच पोम ऑफ जॉन मिल्टन ओवर ऑल द इंडियन सॉरी इटालियन फील्ड्स वेयर स्टिल डोथ स्वे द ट्रिपल टायरेंट अ रिफरेंस इज मेड टू द ट्रिपल क्राउन पेपल टियरा विच वाज अ सिंबल ऑफ पेपल अथॉरिटी एंड टू द पेपल डोमिनेंस ऑफ द इटैली। तो ये बताना है जॉन मिल्टन की कौन सी पोम से लिया गया है, द करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑन द लेट मैसेकर इन पियडमोंट इन 1655। 67 क्वेश्चन, विच पोम ऑफ जॉन मिल्टन कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटर्न एंड दियर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, तो कौन सी जो उनकी पोम है जिसकी ये स्टोरी है किस तरह से मैन का फॉल हुआ था, किस तरह से टेम्पटेशन हुआ था एडम एंड ईव का, फॉलन एंजल के बारे में बताया है इसमें, तो कौन सी पोम है ये। 67, द करेक्ट आंसर विल बी बी, पैराडाइज लॉस्ट 1667। तो 1667 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी और सेकेंड जो इसका पब्लिकेशन हुआ था वो था 1674। देन 68 क्वेश्चन, मिल्टन्स मैग्नम ओपस द ब्लैंक वर्स एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट, तो ये उनका मैग्नम ओपस यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रेट वर्क माना जाता है, वाज कंपोज्ड बाय द ब्लाइंड एंड इम्पोवराइज्ड मिल्टन, तो जब वो इम्पोवराइज्ड हो गए थे, थोड़ा सा पैसे की तंगी भी थी और ब्लाइंड भी हो गए थे, तब उन्होंने ये वर्क लिखा था, और कब से कब तक लिखा था ड्यूरेशन हमें बतानी है यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर 1658 टू 1664। तो आई थिंक यहाँ पे ये अब भी गलत बताया है, ये 1665 होना चाहिए यहाँ पे, 1667 में इसको पब्लिश करवा दिया गया था और 1674 में इसको रिपब्लिश करवाया गया था, 1667 में इसमें 10 बुक्स थी और 1674 में इसमें टोटल 12 बुक्स कर दी गई थी। देन 69 क्वेश्चन, ऑन 27 अप्रैल 1667 मिल्टन सोल्ड फॉर -25 द पब्लिकेशन राइट्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू पब्लिशर, आई थिंक यूरो है ये, यहाँ पे डॉलर तो नहीं है, तो किसको इन्होंने ये जो अपना राइट है इसका पब्लिकेशन राइट जो बेच दिया था पैराडाइज लॉस्ट का, तो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, सैमुअल सिमोंस। 70 क्वेश्चन, मिल्टन फॉलोड अप द पब्लिकेशन पैराडाइज लॉस्ट वाज इट्स सीक्वल पैराडाइज रिगेन्ड विच वाज पब्लिश्ड अलोंग साइड, तो इसका जो सीक्वल था पैराडाइज लॉस्ट का वो क्या था, पैराडाइज रिगेन्ड था, और ये किसके साथ पब्लिश हुआ था,
अ ट्रेजिडी सैमसन एगोनिस्टिस इन 1671। तो 1671 में जो इनका वर्क था द ट्रेजिडी ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस, इसके साथ ही पैराडाइज लोस्ट को भी पब्लिश करवा दिया गया था और ये सीक्वल था पैराडाइज लोस्ट का। 71 क्वेश्चन, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674 मिल्टन सुपरवाइज्ड अ सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लोस्ट एकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द पोम राइम्स नोट एंड प्रीफेटरी वर्सेस बाय। तो 71 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर एंड्रू मार्वल। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो सपोज टू बी रिटन बाय मिल्टन। तो मिल्टन के द्वारा लिखा गया बताना है कौन सा उनका अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो था। तो 72 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना। 73 क्वेश्चन, द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट बाय बीहेडिंग अकर्ड ऑन डैश आउटसाइड द बैंक्वेटिंग हाउस इन व्हाइट हॉल। तो चार्ल्स फर्स्ट का जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो हमें डेट बतानी है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ए ट्यूजडे 30 जनवरी 1649। तो ट्यूजडे का दिन था वो 30 जनवरी थी 1649। ओके और यहाँ एक और क्वेश्चन हमें मिल गया आउटसाइड द बैंक्वेटिंग हाउस इन व्हाइट होल। देन 74 क्वेश्चन, विच इज अ पेल गुड लुकिंग यंग मैन ऑफ 23 विद क्विक रादर स्केर्ड आइज, ही इज अ जूनियर क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ, विच कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले जस्टिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द गिवन लाइन्स। तो ये जो जस्टिस प्ले है 1910 में ये पब्लिश करवाया है, ये है जॉन गैल्सवर्दी का लिखा हुआ। तो इसमें हमें एक यूथ के बारे में पूछा है जिसकी एज क्या है 23 है, जो डरी हुई आंखों का सहमा हुआ एक पर्सन है और जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की कंपनी में ऑफिस में काम करता है। द करेक्ट आंसर विल बी डी विलियम फाल्डर। क्या है ये जूनियर क्लर्क है। 75 क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम ऑफ नाइट रूथ एंड फाल्डर प्लान टू मीट एट द बुकिंग ऑफिस। तो रूथ एंड फाल्डर प्लान करते हैं बुकिंग ऑफिस में मिलने का, तो रात को किस टाइम पे वो मिलना चाहते थे। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर 11:45 ओ क्लॉक। 76 क्वेश्चन, कॉक्सन नोटिसेस फाल्डर एंड रूथ किसिंग ईच अदर। तो कॉक्सन क्या नोटिस करता है कि फाल्डर और रूथ क्या कर रहे थे, किस कर रहे थे एक दूसरे को। ही इंस्ट्रक्ट फाल्डर टू मेक यूज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस प्रॉपरली एंड गिव्स हिम अ पैम्पलेट ट्रैक व्हाट वाज रिटन इन द पैम्पलेट। तो वो उसको वॉर्न करता है कि ये ऑफिस प्रीमाइसिस में आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और उसको एक पैम्पलेट भी देता है। तो उस पैम्पलेट में क्या लिखा है। 76 कि 76 क्वेश्चन पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ था जो कॉक्सन ने फाल्डर को दिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी प्यूरिटी इन द होम। देन 77 क्वेश्चन, ही इज रेदर अ रिफाइंड लुकिंग मैन ऑफ 35। तो पहले 23 ईयर का हमने जो पूछा था वो था फाल्डर और अब यहाँ पूछा है 35 ईयर ओल्ड विद अ प्लीजेंट ऑलमोस्ट अपोलोजेटिक वॉइस विच कैरेक्टर फ्रॉम जस्टिस इज इंट्रोड्यूज इन दीज लाइन्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए वाल्टर हाउ। तो वाल्टर हाउ कौन थे, वाल्टर हाउ ऑफिस में जो हेड थे ये जेम्स हाउ के बेटे थे। ओके जो दो वहाँ पे मास्टर हैं ऑफिस के उसमें वाल्टर हाउ क्या थे, बेटे थे और जॉन्स हाउ उनके
पिता थी। 78 क्वेश्चन, होम डज हर्मियाज फादर वॉन्ट हर टू मैरी इन मिड समर नाइट ड्रीम। तो शेक्सपियर का वर्क है मिड समर नाइट ड्रीम, उसमें बताना है हर्मिया के जो फादर थे उसकी जो मैरी थी उस वो किसके साथ करवाना चाहते थे। तो द करेक्ट आंसर इज डिमेट्रियस। तो डिमेट्रियस से उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन हर्मिया लिसेंडर के साथ प्यार करती थी। 79 क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द यंग एथेनियंस इन मिड समर नाइट्स ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय लव पोशन। तो सबसे पहले जो लव पोशन का जो इफेक्ट हुआ था वो बताना है किस पे हुआ था। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर लिसेंडर। तो जो लाइसेंडर था जिससे हर्मिया प्यार करती थी उसके ऊपर सबसे पहले पोषण का असर होता है। 80 क्वेश्चन, हु हैज कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो बेकन के लिए किसने ये कोटेशन बोली है, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप ने ऐसा बेकन के लिए बोला है। 81 क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम ऑफ। तो चार्ल्स लैम्ब ने किस पेन नेम से अपना वर्क लिखा। तो पेन नेम होता है जैसे कि जो राइटर्स होते हैं अपना रियल नेम यूज ना करके अपना एक सिडोनिम एक फेक नेम यूज करते हैं अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए। तो 81 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर एलिया। 82 क्वेश्चन, एलिस एंड जॉन आर। तो एलिस और जॉन कौन है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन ऑफ लैम्ब, लैम्ब के इमेजिनेटिव चिल्ड्रन। 83 क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो मिल्टन के बारे में किसने ये लाइन्स बोली हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ए विलियम ब्लेक। 84 क्वेश्चन, मिल्टन्स स्टाइल इज, मिल्टन की जो स्टाइल है वो कैसी है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर ग्रैंड। तो मिल्टन हमेशा ग्रैंड स्टाइल को यूज करते हैं, उन्होंने अपने एपिक में भी ग्रैंड स्टाइल को ही यूज किया है। 85 क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो किसको नेचर का आर्क प्रीस्ट बोला जाता है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर वर्ड्सवर्थ। देन डोरोथी वाज द सिस्टर ऑफ, डोरोथी किसकी सिस्टर हैं। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर वर्ड्सवर्थ। 87 क्वेश्चन, हु सेड पोइट्स आर द अनएक्नोलिज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर सेले। 88 क्वेश्चन, इन विच पोम डज द लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट अकर। 88 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी टू अ साइलार्क। तो टू अ साइलार्क वर्क से ये लाइन ली गई हैं। देन 89 क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज अ पोएट विद नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो किस पोएट को उसके लिए रिगार्ड किया गया है। तो 89 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी कीट्स। तो ये जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया है, ये कीट्स ने दिया है। 90 क्वेश्चन, हु सेड ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन थॉट। द करेक्ट आंसर इज ए कीट्स। 91 क्वेश्चन, हु इज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हमें बताने हैं यहाँ। द करेक्ट आंसर इज सी टेनिसन। 92 क्वेश्चन, टू स्ट्रीव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इन विच पोम ऑफ टेनिसन डज द अबव लाइन अकर। 92 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ए यूलिसिस। 93, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रामेटिक सोल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग। 93 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी एंड्रिया डेल सार्टो।
94 क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री? ब्राउनिंग की पोएट्री की हमें चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चीफ होता है इम्पोर्टेंट या मेन, और कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बतानी है। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑब्स्क्यूरिटी। 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? तो डिकेंस की कौन सी नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में? द करेक्ट आंसर इज सी, डेविड कॉपरफील्ड। 96 क्वेश्चन, डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट वाज सीरियलाइज्ड इन द डेस? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, बेंटलीज। 97 क्वेश्चन, जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज बाय प्रोफेशन ए और एन? तो जैगर इज अ कैरेक्टर इन हिज वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो उसका हमें यह प्रोफेशन बताना है कि उसका प्रोफेशन क्या है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, लॉयर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 98 क्वेश्चन, इन डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड यूरिया हीप्स मिसडीड्स आर एक्सपोज्ड बाय? तो डेविड कॉपरफील्ड जो वर्क है डिकेंस का, उसमें यूरियाज हीप्स मिसडीड, यूरिया इज अ कैरेक्टर, तो यूरिया का जो मिसडीड है वो किसके द्वारा एक्सपोज किए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, मिकाबर एंड ट्रेडल्स। 99 क्वेश्चन, हु हैज क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज? तो मिल्टन की लैंग्वेज को किसने क्रिटिसाइज किया था? द करेक्ट आंसर इज बी, इलियट। 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर? इनमें से कौन सा वर्क शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो रोमियो जूलियट भी उन्होंने लिखा है, हेनरी फोर्थ भी लिखा है, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर भी लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो ये किसका वर्क है? आई थिंक ये किड का वर्क है जी, स्पेनिश जो ट्रेजेडी है वो किड का द्वारा लिखा हुआ वर्क है। 101, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स इज? तो पिजन्स की जो क्राई है, यानी कि हमें पिजन्स का यहाँ साउंड बताना है कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ए, कू। द यंग वन ऑफ स्वैन इज? तो स्वान का जो यंग वन मीन्स उसके जो बेबी को क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, सिग्नेट। नाउ एरर फाइंडिंग। 103 क्वेश्चन, अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैज कम? तो 103 द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, कम, सॉरी सी ऑप्शन इज हैज। तो अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैज, तो जहाँ भी आ मैनी का यूज होता है, अ गुड मैनी के साथ हमें यहाँ पे हैव का यूज, मीन्स प्लूरल वर्ब को यूज करना है। 104, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड? तो यहाँ एरर पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका जो एरर पार्ट है दैट इज बी। द कैटल देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन इसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, तो यहाँ क्या यूज होना था? आर का यूज होना था। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज इन इट, कैटल के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब को ही यूज करेंगे। 105, देयर आर सो मैनी अदर होटल देन द ताज इन दिस सिटी। 105, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, अदर होटल। तो देयर आर सो मैनी अदर होटल, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। आर के साथ यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ सिंगल ही दिया हुआ है, होटल होटल्स होना चाहिए, है ना। 106, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिसअपियर, DISAPPEAR। अगेन स्पीक विद मी, DISAPPEAR। देन 107, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है ये स्पेलिंग भी, फिर भी हम लोग मिस्टेक कर ही देते हैं, हैमरेज। तो 107, द करेक्ट स्पेलिंग इज बी हेयर, हैमरेज। तो HEMORRHAGE, और इसमें अगर हम ए लगा के बनाना चाहें तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, HEMORRHAGE, हैमरेज। तो दोनों स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट हैं ये, डोंट बी कन्फ्यूज। देन 108,
108 फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एल आई ए आई एस ओ एन. तो स्पीक विद मी, एल आई ए आई एस ओ एन. 109 अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर. तो एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन लैंड में जाता है वहाँ पे सेटल होने के लिए. तो 109 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इमिग्रेंट. तो यहाँ पे एन आई थिंक रॉन्ग दिया हुआ है, आई डबल एम आई होना चाहिए, तो इमिग्रेंट. 110 वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस. तो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में जो श्योर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, वन वर्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, एग्नोस्टिक. अब यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे. फिलोसफी टीचेस टू अस टू फील अनसर्टेन अबाउट द थिंग दैट सीम टू अस सेल्फ एविडेंट. प्रोपोगेंडा ऑन द अदर हैंड टीचेस अस टू एक्सेप्ट एज सेल्फ एविडेंट मैटर्स अबाउट विच इट वुड बी रीजनेबल टू सस्पेंड अवर जजमेंट और टू फील डाउट. द प्रोपोगेंडिस्ट मस्ट देयरफॉर बी कंसिस्टेंटली डोगमेटिक. All his statements are made without qualification. There are no grays in his picture of the world. Everything is either diabolically black or salaciously white. He must never admit that the might be wrong on that people with a different point of view might be even partially right. Opponents should not be agreed with. They should be attacked. Shouted down or if they become too much of a nuisance liquidated. तो ये हमने पढ़ लिया है, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए. देन 111 फिलोसफी टीचेस अस. तो फिलोसफी हमें क्या सिखाती है, द करेक्ट आंसर इज सी, टू फील अनसर्टेन अबाउट इवन दोज थिंग्स विच आर सपोर्टेड बाई एक्सेप्टेबल एविडेंस. देन 112 प्रोपोगेंडा टीचेस अस. तो प्रोपोगेंडा हमें क्या सिखाता है, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन इवन दोज मैटर्स विच आर नॉट सेल्फ एविडेंट. 113 क्वेश्चन, ब्लैक वाइट एंड ग्रे आर मेंशनड एज रिप्रेजेंटिंग. तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, प्रोपोगेंडिस्ट फिलोसफर्स एंड द कॉमन पीपल. 114 अ फिलोसफर. फिलोसफर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज विलिंग टू एडमिट दैट ही माइट बी रॉन्ग. 115 द ऑथर इज द व्यू दैट एन ओपोनेंट शुड बी. द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, आर्ग्यूड विद. नाउ पंक्चुएशन, यहाँ पे पंक्चुएशन देख लेते हैं, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सेम ही दिया है. आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स कोमा इफ सी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर. देन 116, देन 117 क्वेश्चन, डोंट वरी फादर सैड ही, I will soon leave the village and find a job in Delhi. तो इसमें हमें पंक्चुएशन देखना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा. The correct answer will be A here. Don't worry father, comma, then inverted commas. Said he, again comma, I will soon leave the village and find a job in Delhi. तो A option यहाँ पे correct है बिल्कुल. 118, this and that refers to singular nouns, whereas these and those refer to. तो देखिए this और that जो होते हैं वो singular noun होते हैं, तो these और those क्या होंगे वो हमें यहाँ बताना है. तो ये सारे demonstrative word हैं. तो 118 the correct answer is A, plural noun. तो ये दोनों singular हैं और ये दोनों plural हैं. 119 this, that, these, those and such are dash also When they modify noun, जब ये सब words जो है modify करते हैं noun को, तो इनको क्या कहा जाता है.
द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए जो भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं और ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं। 120 क्वेश्चन, ईच, इधर एंड नीदर आर ऑल्सो यूज बाय डैश व्हेन दे मॉडिफाई सम नाउन ऑफ सिंगुलर नंबर। जब वो किसी सिंगुलर नंबर के नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है। तो 120 द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर एडजेक्टिव। देन 121, यहाँ पे हमें वर्ब फिल करनी है, आई हु डैश योर लीडर विल लीड यू। तो देखिए यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब को फाइंड आउट करना है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर। ये जो हु है, हु से पहले हमारा जो वर्ड होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है तो आई के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे एम फिल करेंगे। ओके 122, यू हु डैश पावरफुल शुड बी काइंड। तो देखिए हम हु को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यहाँ रखना होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, यू हु आर पावरफुल शुड बी काइंड। 123, दे हु डैश इन ग्लास हाउसेस मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लीव, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लीव को फिल करना है। 124 क्वेश्चन, ही दैट डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो ए जो ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, ही दैट इज डाउन, तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग हमने इज को फिल कर दिया। 125 क्वेश्चन, यू हु डैश विजडम मस्ट बी हम्बल। तो यू के अकॉर्डिंग देखिए हु से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हमें क्या फिल करना है यहाँ। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सीक, यू हु सीक विजडम मस्ट बी हम्बल। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें इसको बनाना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके जो भी फीडबैक हैं उनको जरूर दीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उसको भी आप लिख के भेजिए, मैं जरूर उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।